नबी <च्चारी> की नौ बीविया जब उन अजवाज ने आपसे मांगा कि भई हमारे घर में चालीस दिन चूल्हा नहीं जलता पैसे नहीं है राशन नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया न की आयतें नाजिल हुई या योन नबी यू उली अजवा जी का आप अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुमने दु, तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए तो मैं तालइना उमती रन्ना मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ वह ओसर रहकन्ना सराहन जमीला और इज़्ज़त के साथ तुम सबको रुखसत कर देता हूँ भाई किसी पैसे वाले से शादी कर लो क्यों अल्लाह ने हमारे नबी के लिए ग़र्बत को सेलेक्ट किया था हालांकि आप मालदार बनना चाहते बन सकते थे लेकिन नबी आखिरी नबी है ना तो उसमें क्या हमतें हैं वो मैं भी नहीं छेड़ूंगा हमारे नबी की जो गुरबत थी वो इख्तियारी थी इख्तियारी का मतलब आपने खुद अपने आप को मस्किन रखा हुआ था ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं था पैसा आता था सारा सदका कर देते थे सुबह आया शाम तक नहीं बचा शाम को आया सुबह तक नहीं बचा लेकिन मुझे और आपको इस तरह करने की शरीय में इजाजत नहीं है कि आज से पता चले आपने सारे बैंक बैंक खाली किए सारा सोना वोना घर के प्लॉट की फाइलें वाले बेच बाच के तंबू लगा के रोड पे आके बैठ गए और बेगम से कह रहे हो रहना इसी तरह रहो तंबू में वरना निकलोगी आपको इजाजत नहीं है क्यों नहीं है ये टॉपिक नहीं है मेरा क्योंकि मैंने अगर उस टॉपिक पे चला गया तो ये जो टॉपिक आज लेके रहा है वो चेंज हो जाएगा बस अभी फिलहाल यकीन कर लें कि मौलवी साहब अगर कह रहे हैं तो इलम की बुनियाद पर कह रहे होंगे तो ये नबी के लिए अल्लाह ने इस तर्ज जिंदगी को सेलेक्ट किया है मेरे और आपके लिए ये नहीं है हमारे और आपके लिए है कि तमीज से अच्छे बच्चों की तरह कमाओ कुछ जमा भी करो खर्च भी करो घर वालों पे हाथ भी खुला रखो अच्छे बच्चों की तरह इस तरह से जिंदगी गुजारो फंटर बनने की कोशिश फर्ज वाजिब नमाज रोजा ये पूरे करो बस लेकिन नबी का मैं ऊंचा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायान्ना व उस रन्ना जमीला मैं तुम्हें रुख्सत कर देता हूँ किसी मालदारों से शादी कर लो उस ज़माने में तलाक़ याफ्ता बेवा की शादी होना कोई मसला नहीं था एक से एक रिश्ता मिल जाता था ये तो हमारे ज़माने में नहूसत है कि नहीं होती शादियाँ और अगर तुम इसी तरह रहना चाहती हो तो इसी तरह गुर्बत में मेरे साथ गुजारा करना पड़ेगा तो तमाम की तमाम उमहात ने नबी ने उनको तलाक का बाकायदा इख्तियार दिया यहीं सेलमा ने मसला निकाला है कि तलाक मर्द खुद भी दे सकता है बीवी को तलाक़ का इख्तियार भी दे सकता है अगर मर्द अपनी बीवी से कह दे कि मैंने तुझे तलाक़ का इख्तियार दिया तो ये इख्तियारत के पास भी आ जाता है फिर वह अपने ऊपर तलाक वाक्य कर सकती है इससे भी पता चलता है कि अदालती खुला जो आज कल चल रहा है इसमें इस इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि मर्द जब बीवी को राइट देगा तो होगा कोर्ट के देने से नहीं होता जज सिर्फ अपनी बीवी को तलाक दे सकता है दूसरों की बीबियों को जज तलाक नहीं दे सकता यह बार बार बयान करता रहा हूं मैं क्योंकि अब दुनिया का निजाम चेंज हो रहा है हर जगह ऐसा ही हो रहा है ये जो आजकल सिस्टम चेंज हो गया ना तो अब क्या है इल्ला ये के चंद सूरतों में चंद सूरतों में जज भी दे सकता है वो वो अलग टॉपिक है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक का बाकायदा इख्तियार दे दिया ये नहीं कहा कि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं ना 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 बाकायदा राइट दे दिया कि अपने ऊपर वाक कर लो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अल्ला का जब नंबर आया अच्छा औरत अगर उसी मुजलिस में वो इख्तियार वापस कर दे तो ख़त्म हो गया इख्तियार मर्द ने जिस मजलिस में इख्तियार दिया ना उस मजलिस के साथ रहता है हमेशा के लिए दे दिया तो हमेशा के लिए मजलिस के साथ दे दिया तो जब तक उस मजलिस में है तलाक वाकई कर सकती है जब मजलिस ख़त्म हो गई तो तलाक का ऑप्शन भी ख़त्म तो नबी ने हजरत आयशा को उसे भी फरमाया कि तुम्हें भी मैं इख्तियार देता हूं लेकिन आपने फरमाया जल्दबाज़ी ना करना क्या मतलब जल्दी में ये नहीं कह देना कि भाई मैं मुझे नबी कबूल है ऐसा ना हो कम उम्र थी ना हजरत आयशा ऐसा ना हो जल्दबाजी में फैसला करो फिर दोबारा कल फाके पड़े फिर बोलो भाई कि ये मैंने फैसला क्या किया था गलत कर दिया था इसलिए आपने फरमाया अपने घर में पहले मशवरा कर लो हजरत आयशा से फरमाया अपने घर में जाके मशवरा कर लो मशवरे के बाद सोच समझ के एक राय कायम करो कि इसी फखरो फाका में चालीस दिन चूल्हा नहीं जलेगा इसी में गुजारा करना है या मुझसे तलाक लेके कहीं और शादी करनी है जल्दी में फैसला न करो हदरत आयशा को इतना गुस्सा आया ना नबी के इस बात पर फरमाया अफीका उशाविर आपके बारे में मशवरा करूंगी मैं यानी पैगंबर के बारे में मैं अपने अब्बा अम्मा से जाके मशवरा करूंगी कि रहना के नहीं रहना मतलब कोई मशवरा वशरा नहीं करना रहना है ये जो गैर मुस्लिम तंज करते हैं ना कि पैगंबर ने शादी की इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र में एक नौ उम्र लड़की से तो उस नौ उम्र लड़की को तलाक का इख्तियार दिया जा रहा है और वो कह रही है कि आपके बारे में मैंने किसी से मशवरा नहीं करना यह सवाल ही गलत है अफीका उशाविर यह कैसे हो सकता है आप जैसा शोहर मुझे कहां मिलेगा कोई मशवरा नहीं आपके साथ ही रहना है तो ये गैर मुस्लिम जो एतराज करते हैं ना नबी पर यह मुद्दी सुस्त और गवाह चुस्त जिसके हक की बात कर रहे हैं हजरत आयशा की माज अल्लाह उनके साथ जुल्म हो गया कि कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र से शादी करा दी उनकी उस कम उम्र को तो ये एहसास नहीं हो रहा उनको तो यह हो रहा है कि इससे अच्छा रिश्ता मेरे लिए इस कायनात में कोई नहीं है हिंदू और ईसाई को सुस्त और बोलो, चुस्त जैसे कि आप लोग बिल्कुल भी चुस्त लग नहीं रहे हो मुझे इस वक्त तरावी की वजह से तो यह खुद हमारे पैगंबर की एक बेहतरीन सीरत है कि इतनी उम्र में हो के एक कम उम्र से नौ उम्र से निकाह किया और खिलाने पिलाने को भी कुछ नहीं है और आठ सोकने भी हैं फिर भी वो कह रही हैं कि आपके बारे में मशवरा भी नहीं करना मैंने हालांकि अब तो जिंदगी गुजार चुकी थी नबी के साथ अगर वो शुरू में फैसला माज अल्लाह गलत हो गया था शादी का तो अब तो टाइम गुजर चुका था ना अब तो आपके पास ऑप्शन था भाई मैं नहीं रहती वो कह रही हैं आपके बारे में मैंने मशवरा भी नहीं करना और ये नामुमकिन है ये कैसी बात आप कर रहे हैं मैं आपके बारे में कैसे मशवरा कर सकती हूँ खुदा की कसम किसी गैर मुस्लिम में गैरत होगी ना गैरत भट धर्म और जिद्दी ना हो इस बात को पैगंबर की नबूवत की दलील समझ के मोहम्मद सल्लाह वसल पर ईमान लेकर आएगा कि आप जैसी पाकिजा सीरत और आप जैसे कामयाब शोहर इस कायनत में गुजरे नहीं है आज कोई 50 साल का 9 साल की से करके दिखाए चंद दिन गुजारे और खिलाने को रोटी भी ना हो अच्छी भला जो बीवी होगी ना वो मार्केट से क्या हो जाएगी शार्ट हो जाएगी बल्कि आज जो मार्केट से शार्ट हो रही हैं बीवियां वो वो वाली हो रही हैं जो जोड़ की शादियां जो जाहिर एतबार तो भी जोड़ की शादियां 25 साल के लड़के की 24 साल की लड़की से शादी हो रही है 25 साल का ये पीएचडी भी है प्रोफेसर भी है और करोड़ रुपए कमा भी रहा है और बेगम गरीब भी है फिर भी जिस दिन मार्केट से आटा शार्ट हुआ बेगम उसी दिन मार्केट से शार्ट हो गई आटा शाट होने की फिक्र इतनी नहीं होती जितनी उसको बेगम के शाट होने की हमारे पास तो केसेस आ रहे हैं ना कोर्ट में भी आ रहे हैं जरा सा बेरोजगार हुआ बेगम शाट वो कहती तेरे में है क्या जो मैं तुझसे तेरे साथ रहूं एक आटा दे रहा था वो भी नहीं है है भाई तो ये मोहम्मद सल्ह वसलम के बेहतरीन शोहर होने की दलील मैदान जंग में आपसे बेहतरीन कमांडर कोई नहीं सियासत में आपसे बेहतरीन सियासत किसी के पास नहीं घर में आपसे बेहतरीन शोहर कोई नहीं एक ही वक्त में तमाम बेहतरीन सिफात अल्लाह ने अकेले मोहम्मद में जमा कर दी जबकि असबाब और वसाइल बिल्कुल भी नहीं है असबाब और वसाइल तो पैसे को बोलते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं है अब मैं वो उस वाक्य की तरफ आता हूं अब मुझे बताओ हाँ तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बेगम साहेबा को खूब अच्छा खिलाएं जो खुद पहने उसको पहनाएं जो खुद खाएं उसको खिलाएं लेकिन कुदरत की तरफ से अगर गुर्बत आ गई है भाई तो फिर टेंशन लेने का नहीं है फिर बेगम अगर कहती है नहीं रहना कोई बात नहीं बेगम मैं तो यही कुछ खिला पिला सकता हूँ रहना है रहो नहीं तो पतली गली से निकलो हम किसी और से शादी कर लेंगे एकदम से ना निकाल दो तो, पहले मुझसे मशवरा ले लेना वो बा दफ़ा खवतान गुस्से में भी कह रही होती हैं मुझे छोड़ दो एकदम वो वह गुस्से में कह रही होती हैं चार दिन के बाद उनका मूड बदल जाता है खुद से कुछ ना करो मशवरा ले लिया करो मेरा तो मकसद सिर्फ यह बताने का है कि टेंशन लेने का नहीं है एक तो बेरोजगारी की टेंशन ऊपर से एक और टेंशन ऊपर मुसलत करो तो पागल हो जाओगे टेंशन वेंशन नहीं टेंशन सिर्फ एक चीज की लेनी है भाई वो जो हदीस में आता है मन का नतिल आखिरत वमहू जिसने आखिरत को अपनी टेंशन बना लिया तो अल्लाह उसकी तमाम टेंशनों को ख़त्म कर देते हैं उसकी फिक्रें समेट देते हैं हमारी टेंशन बस एक है आखिरत में बख्शिश हो जाए ना बेगम टेंशन है हमारी ना बच्चे हमारी टेंशन है ना कोई और हमारी टेंशन है ना गवर्नमेंट हमारी टेंशन मेरी टेंशन ये है कि मुझसे क़्यामत के दिन सवाल होगा मैं उस सवाल में पूरा उतरता हूँ या नहीं अब आटा महंगा होने की टेंशन हम क्यों नहीं ले रहे कि हमारी वजह से नहीं हुआ मेरी वजह से हुआ होता ना तो मैं टेंशन लेता कि आखिरत में चित्रौल किसके लगेंगे हमारे मेरी वजह से थोड़ी हुआ है अब अगर हमारे पास मसाइल हैं तो महंगा आटा खरीदेंगे मसाइल वसाइल नहीं है तो बेगम को बोलेंगे पापे चाय में डबोगे पापे भी आटे के बनते हैं आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ना करे हमें वो हालात ना आए अभी तो अल्लाह खिलाफ ही ला रहा है लेकिन अगर अल्लाह ना करे खुदा ना ख़्वास्ता ऐसे हालात आए तो भाई वही, वही गुजारा करो दो तीन खजूरें खा लिया करो सुबह शाम मरता नहीं है भूख से इतनी जल्दी इंसान और जब आप भूखे रहोगे ना एकदम कोलेस्ट्रॉल कम होगा जवान हो जाओगे मैं आपको बताऊं अभी तो डॉक्टर कह रहे हैं कि भूखा रहने से बेहतर कोई जवान होने का नुस्खा नहीं है तो डॉक्टर भी इस तरफ आ गए अगर चेक खा दबा के रहे हैं वो भी मशवरे इस तरह के दे रहे हैं तो खैर अब देखो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तु नबी के पास आए सारा घर लुटा दिया ऐसे मौके पर जब कोई आएगा तो उसको क्या मशवरा दिया जाएगा भाई सबसे ज़्यादा इनको राशन दिया जाए तसलियाँ दी जाए लेकिन नबी के सामने आए हाथ फैलाया अल्लाह मेरी माँ ने भेजाए बाप भी शहीद और भाई भी शहीद और उहद में आपकी खातिर शहीद हुए हैं आपने कहा था लड़ाई के लिए जाओ नबी ने फरमाया मई अस्ताफिफाह याद रखो जब तक आखिरत में ईमान नहीं है ना गैरत के अलावा सब कुछ आएगा आपके अंदर मैंने बड़े बड़े लालची लोग देखे दाढ़िया टोपियों वाले ऐसे नूर उनके चेहरों पे बरस रहे होते हैं ना आदमी कहता है पता नहीं कहाँ से नूर की क्रीमें लगाई हैं इसने ऐसे मक्कार लिचड़ होते हैं ना कि आपकी सोच है मजहब का मंजन बेचते हैं मैं नाम ले लेके बता सकता हूं कौन कौन ये काम कर रहा है लेकिन फितना खड़ा हो जाएगा नाम लेके बता सकता हूँ कौन दाढ़ी टोपी का मंजन बेच रहा है ऐसा नेक लगेगा जैसे इससे बात ऐसी करेगा वो अल्लाह रसूल के अलावा कोई बात ही नहीं मुझे डर लगता है गुस्से में कहीं मेरे मुंह से नाम ना निकल जाए उन लोगों का लेकिन एक बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा इसलिए नाम नहीं ले रहा मैं और ये मजहबी लोगों में मंजन बहुत है क्योंकि मजहब के नाम पे ना मंजन बिकता बड़ी जल्दी है लोग यकीन कर लेते हैं हजरत जी इतने नेक माशाला बगलें भी साफ हजरत की और इतने खूबसूरत तो याद रखो फ्रॉडी आदमी के लिए दाढ़ी रखना और पगड़ी पहनना कोई मुश्किल काम नहीं है फ्रॉडी ये काम कर सकती भाई दाढ़ी टोपी दाढ़ी रखना जरूरी है लेकिन ये भी तो हो सकता है चोर ने दाढ़ी रखी हो लोगों को उल्लू बनाने के लिए मदरसे वाले कभी चोर नहीं होते चोर लोग मदरसा खोल लेते हैं कि पैसा आएगा बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं जो बड़े बड़े फ्रॉडी हैं सारे ट्रस्ट फ्रॉडी नहीं है लेकिन फ्रॉडी ट्रस्ट भी हैं बहुत सारे मुझे खुद एक वकील ने बताया कि जब किसी आदमी को करोड़पति बनना होता है ना और गाड़ियां मंगवानी होती हैं कस्टम पे की बगैर तो वो ट्रस्ट खोल लेता है उसने मुझे बताया कितने लोगों ने ट्रस्ट खोले हुए पाकिस्तान में दबा के नोट छाप रहे हैं तो ये धंधे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होते हैं दुनिया में इतने ज्यादा बोलो नहीं होते लेकिन हमारी कौम अंधी है खुदा की कसम गुस्सा आ रहा है मुझे और रमजान में तो तबीयत से चूरन बिकता है उठा उठा के फेंक रहे हैं पैसा ये ले ये ले ये ले ये अबे देख नहीं रहे यार ये क्या कर रहा है ये इतना अंधा एहतम तुम्हें अल्लाह ने एक पैसा की नेमत दी उसको बर्बाद तो ना करो ना तुम एक और काम रमजान में जहन में रखो मौजू से हेट रहा हूं फौरन आ रहा हूं फिर इस तरफ एक और काम क्योंकि रमजान में मंजन ज्यादा बिकता है देखो दीनी मदरसों का जितना मैं कायल हूं ना आप नहीं कायल मैं अगर यहां बैठा हूं तो मदरसों की वजह से बैठा हूं अल्लाह मुझसे जो टूटा फूटा दीन का काम ले रहा है लेकिन मदरसे में चंदा देने से पहले सोचो ये काबिल एतमाद मदरसा है या नहीं है बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको मैं पैसा कमाने का तरीका बता रहा हूं गलत तरीका आप अगर बेरोजगार हैं ना पाकिस्तान में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है लेकिन यह मसला मैं आपका दो मिनट में क्या कर रहा हूं खत्म कर जहनम में तो जाओगे लेकिन मसला बेरोजगारी का खत्म हो जाएगा आपने क्या करना है आपने एक जमीन खरीदें, वो भी चंदे के पैसों से ठीक है ना कि बताएं मैं एक मदरसा खोलना चाहता उससे पहले आपको दाढ़ी रखें आप दाढ़ी लोग फिर उस पर ज्यादा दे और पगड़ी बांधें, मौलाना तारी जमील साहब के साथ छह सेल्फियां मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ सात सेल्फियां मुफ्ती साहब के पाओं दबाए मेरे पाओं दबाए सर में मालिश करके चुपके से वीडियो बनाए कि देखो मैं मुफ्ती साहब की खदमत कर रहा हूं मैं गले मिल रहा हूँ वीडियो बनाए मौलाना जमील साहब हदीया देते हुए वीडियो बनाए ठीक है एक बयान उनसे अपने हक में करवा लेंगे बहुत अच्छा है आदमी बयान तो कर ही देता है ना मेरे पास भी कोई आएगा अच्छा अच्छा ही लग रहा है भाई अच्छा है माशाल्लाह। चंद चीजें इस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात हो जाए तो सुबहान अल्लाह एक आध सेल्फी वहां से ले ली आपने और फिर आपने क्या किया है? एक दो दफा गरीब को मिल, गले मिलते हुए रो लें प्याज काट के जाए आंसू पहले निकलेंगे एकदम रोके एक तस्वीर बना लें गरीब को मिलकर रो रहे हैं बेहतरीन खुदा की कसम ऐसा तरीका है ना तुम नोट तुम्हारे पास ना रखने की फुर्सत नहीं होगी यार किधर रखू इन थैले भर गए सारे उसके बाद आपने क्या करना है आपने अनाउंस करना है मैं एक मदरसा बना रहा हूं यतीम खाना खोल रहा हूं आपने चार दीवार खड़ी की उसमें चार छह यतीम बच्चे आप जाए वहां से कुछ बच्चे उधार ले उधार का मतलब कोई अपने बच्चे देता थोड़ी है उनको बोलें कि हम कुछ दिन इनको खिलाएंगे पिलाएंगे तो मायें दे देती हैं चलो यार कुछ दिन क्या और कुरान भी पढ़ाएंगे तो कुरान पढ़ रहा है इस बहाने ये आपको पता है अल्लाह को पता है वो चार छह यतीम बच्चे जो शक्ल से भी यतीम लग रहे हों और अगर यतीम ना भी हों तो वो बच्चे जो लग रहे हों यतीम शक्ल से यतीम होते नहीं है लगते हैं यतीम अल्लाह की तरफ से डिजाइनिंग कुछ इस तरह की होती है ठीक है वो लग क्या रहे होते हैं यतीम लग रहे होते हैं रमजान में बेहतरीन बिजनेस तो आपने वो चार दीवारी में आठ दस पंद्रह भी जितने हो सके एक भी ले आओगे ना तो धंधा तो चलना शुरू हो जाएगा वो ये तीन बच्चे ला के डाल दिए फिर उसके बाद आप अपनी दो चार नमाजों की तस्वीरें दुआ मांगते हुए ठीक है ना और फिर आजकल ख़िलाफतें भी मिल जाती हैं एक आध बुजुर्ग के थोड़ा सा कुछ आप जो दो नंबर किस्म के बुजुर्ग होते हैं हदिए वदिये दिए और थोड़ा सा खिलाफत शिलाफत ले ली वहाँ से उसके बाद फिर मेरे भाई अब जो आपके पास पैसा आएगा ना आप आगे आगे और पैसा आपके पीछे पीछे लोग कहेंगे यार ये मेरी तरफ से बकरा दस दस बीस बीस लोग बकरे ला रहे होंगे नौ बकरे आपके घर में एक बकरा काट के बच्चों को खिला दो लोग समझ रहे होंगे देखो बकरा खिला रहा है ना ये लोग ये थोड़ी दे रहे होंगे कम बहत खिला कितना रहा है और नौ तो घर में पहुंचाए हैं इसने और वो कसाईयों से इनके राबते हैं वो बिक रहे हैं मार्केट में गाड़ियां बड़ी बड़ी, बड़ी लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां भाई किसकी मदरसे की गाड़ी है

बने हुए हैं बड़े बड़े मदरसों के नाम पे फ्रॉड हो रहा है मैं नहीं कह रहा मदरसे फ्रॉडी होते हैं फ्रॉडी लोग भी मदरसा बनाते हैं अब आपने ये नहीं करना कि मदरसों को देना बंद कर दें उससे तो अच्छे मदरसे भी बंद हो जाएंगे आपने तहकीक करनी है कौन वाकई दीनदार लोग हैं अमानतदार लोग हैं काम कर रहे हैं और कौन ऐसे हैं जो दाढ़ी और पगड़ी के नाम पे मंजन बेच रहे हैं यह आपने करना है नहीं तो क्यामत के दिन उल्टे लटके पे होगे बेहतरीन बिजनेस है यहां पे ये अच्छा खैर हम आगे चलते हैं मेरे भाई तो अब क्या था कि हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तु को नबी ने क्या फरमाया मैं ये अर्ज कर रहा था कि आखिरत होगी ना तो गैरत होती है ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है कि आपका हाथ अल्लाह के सिवा किसी के सामने ना उठे अल्लाह से मांगा करो यह इसबाब भी इख्तियार करो पैसा कमाने के क्योंकि जो असबाब इख्तियार नहीं करता अल्लाह उसकी मदद नहीं करता अगर घर में पड़े हुए हो मेहनत नहीं कर रहे और कह रहे हो कि बस अल्लाह ही देगा तो फिर अल्लाह आपको भिकारी बनाएगा ये याद रखना आपने क्या करना है अपनी पूरी कोशिश करनी है पैसा कमाने की दिमाग लगाना है क्यों रिस्क हलाल इबादत है अलकासिब हबीबुल्ला मेहनत करके खाने वाला वो अल्लाह का दोस्त है तो अब क्या है हमारे नबी ने हजरत अबू सईद खुदरी से फरमाया कि मई अस्ताफिफ यू क्या मतलब जो अपने आप को रसुआ होने से बचाना चाहता है इफ़त का मतलब रसवा होने से बचाना दामन दागदार ना हो जलील होने से बचाना चाहता है इससे पता चला मांगना क्या है बोल लो ना जिल्लत है हाथ फैलाना क्या है जिल्लत तो जो चाहता है कि मैं जलील ना हूं हम तो हमें तो पता ही नहीं कि ये जिल्लत है हम तो समझते हैं मैं इतना चूना लगाता हूँ बंदे से दो मिनट में इतने इतने पैसे निकलवा लेता हूं, ये ये मेरा कमाल है एक चोर को पकड़ा ना कोर्ट में लेकर गए अदालत ने कहा यार तुमने इतनी खूबसूरती से चोरी की किसी को पता ही नहीं चला चोर कहता शुक्रिया सर आपने मेरी इतनी तारीफ की इतना जबरदस्त चोर हूँ मैं जज ने कहा कम मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा तेरी बुराई कर रहा हूँ तो नबी ने फरमाया मई अस्ताफि जो अपने आप को रसवा होने से बचाना चाहता है अल्लाह उसे रसवाई से बचाता है अब सवाल पैदा होता है कि रसवाई से तो बच जाएंगे लेकिन टेंशन तो है ना फाके तो पड़ रहे हैं मुसीबत तो है अगला जुमला नबी ने फरमाया, फरमायाबर जो अल्लाह से सबर मांगता है युसब, अल्लाह उसे साबिर भी बना देता है इस टेंशन में अल्लाह से मांगो सबर तो अल्लाह क्या करेगा सबर दे देगा जैसे मूसा आसमाम की माँ ने जब हजरत मूसा को संदूक में रखा ना बच्चे को तो फिर ने पकड़ लिया उस बच्चे को अब कुरान कह रहा है मूसा की माँ दिल बर्दाश्त हो गई मेरा बच्चा किसकी गोद में चला गया है फ़िरौन की माँ तो एकदम हो जाएगी ना अगर जाके बता देती कि मेरा बच्चा है फ़िरौन ने फौरन कत्ल कर देना था उसको लेकिन औरत जज्बाती होती है वो अंजाम नहीं देखती वो जज्बात से मगलूब होती है लेकिन कुरान कहता है रबत नाला कल बिहा हमने मूसा की माँ के दिल को बांध दिया क्या बलागत है कुरान की मूसा की माँ के दिल को क्या कर दिया रस्सी से बांध दिया जैसे हिले नहीं अपनी जगह से दिल बर्दाश्त ना हो ये कुरान की बलागत है यानी सबर की तोफीक दी उस सबर की तोफीक को बयान करने के लिए कुरान क्या कहता है मूसा की माँ को के दिल को हमने रस्सी से क्या कर दिया ऐसे कस के बांध दिए हिले नहीं भाई जैसे किसी बंदा हिल रहा हो ना आप उसे रस्सी से कस के बिल्कुल बंद कर दो अब वो गया यानी वो हिलना भी चाहे तो नहीं हिले तो इससे पता चलता है कि बाज दफा इंसान बेसबरा हो रहा होता है लेकिन अल्लाह की तरफ से उसको ऐसी तोफीक मिलती है कि अल्लाह उसके दिल को रस्सियों से बांध देते हैं हिलना नहीं चुप करके तमीज से बैठा रहे मुझ पर एतमाद और तवक्कुल कर इसीलिए कुरान में नबी को अल्लाह ने फरमाया वमा सबरू का इल्ला बिल्ला ए नबी आप सबर करें लेकिन आपका सबर अल्लाह की तोफीक के बगैर नहीं होगा यह सबर भी आपने अल्लाह से मांगना है तो नबी ने फरमाया जो सबर करना चाहता है अल्लाह उसको सबर की तोफीक देता है आज डिप्रेशन इसलिए बढ़ रही है कि सबर करना चाहते ही नहीं है जो टेंशन आई जो मुसीबत आई बस निकाल दो फौरन जाके जो पहले आ गया ना वो पिटता है आप जब गुस्से में बैठे हो तो जो शुरू में आ गया ना वो उसका क्या हो गया बेड़ा गक हो गया उसके बाद हदीस दे, देखो हजरत अबू सईद खुदरी वापस चले गए क्यों ना माने ने को कोई इतरास किया ना दस साल के बच्चे ने कोई इतरास किया क्यों लीडर को देख रहे थे कि लीडर हमसे ज्यादा कुर्बानी दे रहे और आपकी सदाकत पर यकीन था हदीस में आता है कि हजरत अबू सईद खुदरी ने जिंदगी भर किसी से नहीं मांगा यहां तक कि अपना कोड़ा भी गिरता था ना ऊंट से तो नीचे उतर के उठाते थे वो कोड़ा भी नहीं मांगते थे किसी से हालांकि ये तो ठीक है कोई कोड़ा दे दो मुझे मेरा कोड़ा लेकिन ना 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 ना, ना। बट नहीं तो मतलब नहीं अब सब कुछ खुद करना है अब नहीं मांगना किसी से कोड़ा वजह क्या है लीडर की तरफ से मोटिवेशन मिल रही है क्योंकि पता है लीडर ये बात बताने के पैसे बोलो ना नहीं ले रहा और देख रहे हैं कि हमारे घर में फाका है तो लीडर के घर में इससे ज्यादा फाका है इससे ज्यादा फाका है तो इसलिए आप अगर घर में सरबरा है ना बच्चों को इंसान का बच्चा बनाना चाहते हैं तो पहले खुद इंसान का बच्चा बनना पड़ेगा ये मैं असल में एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था जिसके लिए पूरा मैंने क्या समय असल आप कौन सा मैदान है जंग में जा रहे हो जिहाद में जा रहे हो माँ बाप और बाप और भाइयों को कटवा रहे हो आप तो एक्चुअली जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा था कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी इंसान की बच्ची बन के रहे तो आपको पहले इंसान का बच्चा बनना पड़ेगा आप चाहते हो कि मेरे घर में अखलाक का माहौल हो तमीज से बात किया करें तो पहले आपको तमीज से बात करनी पड़ेगी आप बेगम से कह रहे हो तमीज से बात करो इसका मतलब आप खुद ही तमीज से बात नहीं कर रहे वो तो आपका एटीट्यूड देख रही है ना बाप घर में आ रहा है चंगेज खान बन के चीख रहा है। आया, क्या रहा है है क्या हो फिर वो कह रहे एक साहब को गुस्से पे बहुत गुस्सा आता था एक साहब हमारे जानने वाले थे जब कोई गुस्सा करता उनको बहुत गुस्सा आता गुस्सा क्यों कर रहा है इसी बात पर उनको गुस्सा आता था हम कहते थे उसको जितना गुस्सा आ रहा है ना किसी बात पे और आपको उस गुस्से पे उससे ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसको गुस्सा कैसे ठीक होगा अब आप किसी को ये समझा रहे हो कि गुस्सा मत करो तो ये बात आपको आराम से कहने पड़ेगी गुस्से से नहीं क्योंकि अगर आपने गुस्से से कह दी इसका मतलब वो वो जो काम वो कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो तो मार्केट में जो चल रहा है ना वो बता रहा हूं मैं आपको तो इसलिए मेरे भाई जब भी कोई बात आप हमने अपने बड़ों को देखा है कि हमें अगर सखावत की तरगीब दी ना उन्होंने कि खर्च किया करो तो मैंने अपने बड़ों को देखा उन्होंने हमसे बीस गुना ज्यादा खर्च किया बीस गुना तो वो है जो हमें नजर आ रहा है जो नजर नहीं आ रहा वो पता नहीं कितना होगा हमने देखा कि उन्होंने हमें कहा कि इबादत किया करो तो हमने देखा कि वो हमसे कई गुना ज्यादा इबादत कर रहे हैं उन्होंने देखा अला पे एतमाद और तवक्ल किया करो हम उन्हें हमें कहा तो हमने देखा कि वो हमसे ज्यादा अल्लाह पे एतमाद और वक्ल कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमने मदरसे में कोई इंतजाम करना है चंदा जमा करो तो खुद अपनी जेब से सबसे ज्यादा चंदा दिया नहीं यार ये बात छोड़ो रहने तो ऐसे ही ठीक है तो घर में बच्चों को अमल दिखाया करो आप अगर अपने बेटों को समझाते हो कि बहनों के साथ अच्छा सलूक करो ये उस ज़माने की बात है जब घर में बच्चे बच्चियाँ हुआ करते थे अब तो एक आध होता है तो वो सारा सेटअप ही बर्बाद हो पहले ये होता था सात आठ बहन भाई हैं तो माँ बाप भाइयों को हुक्म देते थे भाई बेटों को कभी बेटियों का भी ख्याल करना अब तो टियाँ है ही नहीं टी रह गई है बेटियां नहीं होती एक आध बेटी होती वो खुद ही अपना ख्याल रख लेगी उसके लिए आपको ना वसीयतें करने की जरूरत ना तकल्लुफ़ की ये। उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके यहां बच्चे बच्चे होते हैं खानदान होते हैं चाचे मामे खानदान घर आबाद होते हैं तो उनके लिए खसूसी पैकेज अभी मैं पेश कर रहा हूं कि जब वो अपने बेटों को समझाएं कि अपनी बेटियों का ख्याल करना तो क्या मतलब भाइयों को समझा रहे हैं बहनों का तो फिर आपने उनके सामने अपनी बहनों का ख्याल करके दिखाना है अपनी बहनों को दावत दो उनको हदिए दो उनको पैसे दो बच्चों को पता चले हमारा अब्बा अपनी बहनों का इतना ख्याल करता था तो हमें भी अब्बा के जाने के बाद अपनी बहनों का ख्याल करना है उनको पता है अब्बा के पास नसीहतों के अलावा कुछ भी नहीं है ठीक है पूरी तकरीर अब्बा की एक घंटे की होती है लेकिन अब्बा की जब बहने आती हैं तो अब्बा पांच रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है बच्चों को आपने कहा कि देखो बेटा तुम्हारे भाइयों में कोई गरीब हो जाए भाइयों में

बच्चों की वजह से तो बीवी को पाल रहा होता है आदमी खैर अब ये बातें फिर खबात नाराज होती हैं वैसे भी पालता है ऐसा नहीं है सर बच्चों की वजह से तो बल्कि पालता कहाँ खुद पलती हैं तो मेरे भाई मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने बेटों को समझाना है कि अगर तुम्हारे भाइयों में से कोई गरीब हो जाए तो जिस भाई को अल्लाह पैसा देगा उसने अपने गरीब भाइयों का ख्याल करना है तकरीर जब समझ में आएगी जब बच्चे देखेंगे हमारे अब्बा हमारे चाचा और ताया का ख्याल रखते हैं नहीं आ रही समझ आपके भाइयों में कोई गरीब हो जाए ना ऐसा ना करो कि वो आके आपसे भीख मांगे यार अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे तू तो गाड़ियों में घूम रहा है कुछ हमें भी दे दे आपने पहले से ही उनको देना शुरू कर देना उनका हिस्सा है वफीम हकुलसा इलीवल महरूम वो आतीज़ल कौरबा हक का हो अल्लाह कहते हैं रिश्तेदारों को उनका हक दो तो रिश्तेदारों में तो भाई बहन सबसे पहले हैं भाई अल्लाह कह रही है, उनका राइट है उनका हक है आपके पास पैसा है वो गरीब है तो मैं नहीं कह रहा उनको वही स्टैंडर्ड दे दो जो आपका है इतना तो करो ना कि कुछ तो थोड़ा सा ख्याल करो उनका एक के पास पैसा आ जाता है दूसरा पीछे पड़ा हुआ होता है और वो कहते हैं तुझे ज़रूरत क्या है तो जरूरत क्या हो भाई भाइयों को बहनों को जरूरत की वजह से नहीं दिया जाता किस वजह से दिया जाता है रिश्ते की वजह से दिया जाता है ये अल्लाह का हुक्म है अगर आप आखिरत पर ईमान रखते हो आपको ये करना पड़ेगा नहीं रखते तो जैसे अंग्रेज जिंदगी गुजार रहा है वो बीवी को भी नहीं खिलाता वो मां बाप को नहीं खिलाता तो आप भी ना खिलाओ तो एक फैसला कर लो अंग्रेजों के तरीके पे चलना है या इस्लाम के तरीके पे चलना है इस्लाम के तरीके पे अगर चलना है तो रिश्तेदारों पे भी खर्च करना पड़ेगा बीवी बच्चों पे भी खर्च करना पड़ेगा वालदेन पे भी खर्च देखो जुमला मुकम्मल ही नहीं कर रहे करना पड़ेगा तो हजरत अबू सईद खुदरी को नबी ने क्या फरमाया जो अल्लाह से सब्र मांगता है अल्लाह सब्र देता है बड़ी ख़ानदानी बात अब इसका ये मतलब नहीं है कि मांगने वालों को देना छोड़ दो उनको आप यही मशवरे दिया करो आइंदा <laughs> कोई आए भिकारी तो आपको हदीस में आता है हजरत अबू सईद खुदरी आए थे तो नबी ने उनको मशवरा दिया था तो मेरा भी मशवरा ये अल्लाह से मांग जाके नबी ने हर एक को ये मशवरा नहीं दिया लेवल देखा लोगों का बहुत से साहबा आए नबी ने उनको दे दिया कि उनका तवक्ल का वो लेवल नहीं था अबू सईद खुदरी तो लीडर थे ना बाद में लीडर बने हैं जंगों में कमांडर बने हैं इल्म के मुफ, मुफ्ती भी बने हजरत अबू सईद खुदरी उनका उन साहबा में हर एक मुफ्ती नहीं था चंद मखसूस लोग थे जो फतवा दिया करते थे तो मजहबी लीडर थे ना हजरत अबू सईद खुदरी इसलिए उनको तैयार किया नबी ने कि इनका लेवल तवक्ल का ऊंचा होगा तो अब ये जो बेचारा आम भेकारी आ रहा है इसको वो वाले तवक्ल पे ना चढ़ाओ भाई ठीक है ना जिसपे खुद भी नहीं हो हाँ भिकारियों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए उसमें बहुत सोच समझ के भिकारियों में प्रोफेशन लोग प्रोफेशनल लोग बहुत ज्यादा हैं पूरे पूरे ना सऊदी अरब में भिकारी लोग कंटेनर भर के ला रहे होते हैं एक हमारे जान आ, मैं पहले जहां रहा करता था ना वहां एक जानने वाला बंदा था उसके बारे में पता चला कि सऊदी अरब में वो हज करने गया और भीख जमा कर करके पूरा कंटेनर बुक कराया उसका पूरा माल उतरा कंटेनर यहाँ पे वो सारा भीख का भीख का कंटेनर था तो हज भी पता नहीं भीख लेके गया होगा तो ऐसे भी लोग हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि को ना दें लेकिन सोच लिया करें कि है यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश मुफ्ती तारिक मसूद के सुनने के लिए को सब्सक्राइब करें और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें जजाकल्ला